पता ही है कि 3 साल में शासन चुनाव नहीं है, 3 साल बाद शासन चुनाव हुआ है। वो मैं सभी भाइयों भाइयों और बहनों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस रैली को एक अच्छा एक रूपन दिया। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस जिम्मेदारी को दी। प्राथमिकता यह होगी कि कॉलेज की शिक्षकों की रिक्त उन्हें नियुक्त किया जाए, शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और लाइब्रेरी में जो बुक है उन्हें दिलाई जाए। और जैसे कि हमको पता ही है कि हमारे जो कॉलेज की समस्याएं बहुत सारी है, जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम क्लीन है, हमारे कॉलेज के जो बिल्डिंग है उसमें सफाई नहीं हुई है और उसमें पेंटिंग नहीं हुई है, उन्हें हम और इसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें हम निवारण करेंगे। जैसे कि अभी 2 साल पहले हमारे MPC कॉलेज मसूरिया हर विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय में फीस बढ़ी थी, उसको अभी MPC कॉलेज मसूरी में आई नहीं है। हमें उसे भगवान की पूरी संभावना करेंगे और मेहनत करेंगे। जैसे कि आपको विगत 3 वर्ष की बांधी, जैसे कि किसी प्रेसिडेंट को 3 साल का वो नहीं मिलता है, कार्यकाल नहीं मिलता है। जैसे कि विपक्ष में यानी सरकार के प्रेसिडेंट है, उन्होंने 3 साल का कार्यकाल लिया, पर मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि आपने 3 साल में क्या किया है, हमें यह जवाब दिए, जनता को यह जवाब दिए, यहाँ के छात्र नेता को यह जवाब दिए। हमें देखिए NSY हर साल के बाद थी, साथ भी छात्र संघ चुनाव हो जा रहे हैं, जिसमें NSY ने मुझे अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार किया है। हमारे साथी UR और उपाध्यक्ष और सभी पदों पे हम अभी नामांकन करने जा रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमने महाविद्यालय में पूरे 7 वर्ष से रोज कॉलेज में रहते हैं, बच्चों के छात्र हितों के लिए कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं छात्र हितों के जो हमने अपनी 27 साल की मेहनत है आज हमें देखने के लिए मिल रही है। हमारे नामांकन रैली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सब छात्र छात्राएं उपस्थित रहे हैं, इसके निश्चित तौर पे NSY इस बार MPG कॉलेज में अपना परचम ले रहेगी। पहले हम ABP को ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जब भी हमने कॉलेज में अच्छा काम करने का प्रयास करा है, उन्होंने उसमें विरोध करने का काम करा है, उनकी सरकार है, उनके मंत्री है, उनके सब कुछ होने के बावजूद भी हम यहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धि नहीं करा पाए, जो कि बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और हमारे महाविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की है। मेरी प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि हम शिक्षकों की उपलब्धि करें और जो महाविद्यालय में हमारी आवश्यकताएं हैं उन सबसे बुक है हो चाहे शिक्षकों की, हर उसमें हम आगे कार्य करेंगे। बात है कि 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष करा छात्र नेताओं ने, और सबसे पहले सरकार का धन्यवाद कि चुनाव कराया। और हमारी 3 साल में ऐसी तैयारी होगी थी कि हम राष्ट्र पार्टी को टक्कर देने लगे, इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम पैनल लड़ाएंगे। और आज से पहले कॉलेज में NSUI ABP आप कॉलेज की हालत देख लो, पार्टियों ने क्या करा क्या नहीं करा। तो मैं छात्रों से यही कहूँगा कि इस बार जौनपुर को बहुमूल वोट दे के विजय बनाए, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि कॉलेज बिल्कुल पहले से बेहतर, हर चीज़ रूम फैसिलिटी A to Z हम सही करेंगे। आप 3 साल तक हमारे NSUI के रहे, उनने क्या करा कुछ नहीं करा। तो मैं छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि इस बार जौनपुर को एक बार मौका देखें। हम पहले भी काम करा, बनने के बाद भी काम करेंगे और फिर भी काम करेंगे, और हमेशा छात्रों के लिए काम करेंगे और दिल और संयोग से करेंगे और कॉलेज की स्थिति सुधारेंगे जितना हमसे हो। प्राथमिकता रहेगी इस नगर पालिका कॉलेज को हटा के सरकार एक किया जाए, और यहाँ जो रिक्त स्थान है 12 से 14 शिक्षकों पहले उसको पूर्ण किया जाए, और यहाँ पानी की और स्पोर्ट्स से लेकर किसी भी स्पोर्ट्स से लेकर पानी से लेकर टॉयलेट से लेकर कैंटीन की कोई सुविधा नहीं है। उस सुविधा को हम या तो खुला स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस कॉलेज में जैसे रंगाई पुताई जैसे कार्य कुछ नहीं किए गए विगत 3 वर्षों में, उसमें कार्य किए जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 3 वर्षों से हमारे ABP के कार्यकर्ताओं ने और टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए हमारा पूरा पैनल अच्छे मार्क्स से जीतेगा जो कुछ कार्य किया गया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा 24 तारीख की अगर शाम को हमारा पूरा पैनल अच्छे मार्क्स से जीतेगा तो 25 से हम ये कार्य करेंगे कि कॉलेज में जो भी कार्य हमने मुद्दे रखे हैं, जो भी हमारी मांग है, उसको हम अगले ही दिन से स्टार्ट करें, उसमें प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तैयारियां सभी हैं, अभी से पहले दिन से मीटिंग ली जा चुकी है और अभी भी समझाया है कि 3 जुलूस अलग अलग आ रहे हैं, सभी से अलग अलग ड्यूटी लगी है। इनको समझाया गया है कि भाई एक बार में एक जुलूस नामांकन करें उसका हट जाए और एक आपस में क्लैश ना हो, शांतिपूर्वक अगर मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो इनके साथ हमारे पास सख्ती से निपटने के लिए सारा इंतजाम है। किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पुलिस बल आप में पर्याप्त है? हाँ, पुलिस बल पर्याप्त है और बच्चे ठीक है, इनको समझा दिया गया है, अगर कुछ गलत करेंगे तो फिर झेलेंगे। पिछले 3 सालों से आप देख रहे हैं जो भी पार्टी थे यहाँ सत्ता में थी उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, महासचिव था उन्होंने भी कुछ नहीं करा, छात्र संघ अध्यक्ष ने भी, और हम सत्ता में ना रहते हुए भी
कोरोना काल में भी बहुत यहाँ पेपरों के टाइम पे बहुत मदद करी है छात्रों की। और सर्वे ग्राउंड में भी हमने एक टूर्नामेंट करवाया था, वो भी काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट रहा है। तो मकसद यही रहेगा कि छात्रों के हितों में काम करें और लाइब्रेरी में जैसे किताबें वगैरह नहीं है वो सारी मुहैया कराई। 3 साल के कार्यकाल में जो महासचिव था उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, वो दिखे तक नहीं कॉलेज में। छात्र संघ अध्यक्ष थे, उनका भी कुछ पता नहीं है कि कुछ हुआ भी है कॉलेज में। तो अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता यही रहेगी कि जो कुछ समस्याएं हैं कॉलेज की सबसे पहले वो हल करी जाएं। समय कम रहेगा पर वो रहेगा, मेन मुद्दा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हल करी जाएं।